हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने आई हूँ, आपकी डॉक्टर नेहा मेहता। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब मैं स्पीच देने लगता हूँ, प्रेजेंटेशन देने लगता हूँ, एक तो मैं खुद घबराता हूँ कि क्या करना है, और फिर जब आप स्पीच देने के बाद रिव्यू लेने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑडियंस को आपकी स्पीच पसंद नहीं आई है, रिव्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, या आपको ये बोला जाता है कि और बेटर करें। तो वो और बेटर क्या है, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसे इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी स्पीच में डालने चाहिए, जिसकी वजह से लोग आपको सुने, लोग आपसे अट्रैक्ट हों, लोग आपसे इंप्रेस हो, और आपकी स्पीच, आपका कंटेंट लोगों तक पहुंच पाए। एज अ स्पीकर हम हमेशा चाहते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू हम रखना चाहते हैं वहां तक पहुंचे, लेकिन अगर वो पहुंचेगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं इशू है। तो क्या इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जो आप अपनी स्पीच में डाल सकते हैं ताकि आप एक बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटर बन सके। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान 7 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर ये 7 टिप्स आप इंप्लीमेंट करेंगे तो मुझसे बेटर स्पीकर बन सकते हैं, मुझसे बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी बहुत सी वीडियोस लेकर, मोटिवेशनल वीडियोस लेकर मैं आप लोगों के सामने आती रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि एक अच्छा रिप्रेजेंटेटर बनने के लिए, एक अच्छा संदीप महेश्वरी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा एक्सप्रेसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानिए, देखिए अगर मैं आपसे बात कर रही हूं और मैं आपको फ्यूचर के सिनेरियोस पे लेकर जा रही हूं कि तब ऐसा हो जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा, तो शायद मैं वो बात आप जो मुझे कह रहे हैं मैं ना सुनूं, क्योंकि वो फ्यूचर का सिनेरियो है। मेरे को अभी से आप वो सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, कोशिश करें कि जब भी कोई बात करें रियलिटी में करें। तो फर्स्ट पॉइंट इज टॉक इन रियलिटी, टॉक इन रियल लाइफ। अगर मैं बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की बात करूंगी तो शायद बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कोई ना कोई अपने मेंटल थॉट से चल रहे हो। तो कोशिश करें कि जब भी आप कुछ रिप्रेजेंट करें वो रियलिटी में हो, रियल बेस पे हो, वो जेन्युइन बातें हो, ताकि वो सीधा उन पे लग सके। बातें ऐसी करें जो डे टू डे लिविंग की हो, उनके आसपास वो ऑब्जर्व करते हो, ताकि उस पॉइंट को वो पकड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा रेडी रहे। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 आपकी कैसी होनी चाहिए? टिप नंबर 2 ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप कोई बात करें तो अपनी ऑडियंस को भी जाने। नो अबाउट योर ऑडियंस। सोचिए आप पढ़ा तो 10th क्लास के बच्चे को लेक्चर दे रहे हैं और आप बात कर रहे हैं बायसनेस की, आप बात कर रहे हैं ऑटोमेटा की, आप बात कर रहे हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, जो उन्होंने कभी समझा ही नहीं। तो अगर आप किसी से भी लेक्चर ले रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले अपनी ऑडियंस को तो जाने। कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि जो आपका लेक्चर ले रहे हैं उनका क्या IQ है, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, जानने की कोशिश करें और उसी हिसाब से अपना मटेरियल रेडी रखें। हो सकता है उनको हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में समझाएं, इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश में समझाएं। जितना ज्यादा आप उनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे उतनी ज्यादा चीजें ज्यादा दिल तक पहुंचती हैं। टिप नंबर 3, अगर आप एक अच्छा रिप्रेजेंटेटर बनना चाहते हैं तो कोशिश करें ईजी वर्ड्स में काम करें। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं और मैं बहुत बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स का यूज करूं तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, वह मैं ऑलरेडी टिप नंबर 2 में बता चुकी हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ईजी करने की। जितना आप अपनी भाषा को सरल रखेंगे, जितना आप बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके उनको कंफ्यूज नहीं करेंगे, उतना जल्दी वो सिरे तक पहुंच जाएगी, उतनी जल्दी वो बात दिल पे लगती है। तो कोशिश करें ईजी वर्ड्स डालें, एब्रीवेशंस की तरफ ज्यादा ना करें। MA CA ये बोलने की जगह मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, ताकि उन लोगों को पसंद आए, समझ में आए कि आप क्या बात करने वाले हैं। टिप नंबर 4 एंड द मोस्ट इफेक्टिव टिप इज टाइम। देखिए अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और ये वीडियो 15 से 20 मिनट की हो जाए तो शायद आप बीच में से छोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है आप उसे सुनेंगे ही नहीं। तो टाइम कंसाइज रखें। देखिए यूजली कोई भी स्पीच या लेक्चर का टाइम 30-40 मिनट्स होना चाहिए, ताकि हर इंसान उसे टाइम से ले पाए। लेकिन अगर टाइम ज्यादा होता है तो फिर वो चीजें हमारे सर के ऊपर से निकलने लगती हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कोशिश करें अगर आपका लेक्चर ज्यादा समय का है या 2 या 3 टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स देना जरूरी है, अपने को भी और उनको भी, ताकि वो रिफ्रेश होके दोबारा से उस टॉपिक पे ध्यान देकर उसे सुन सके, ताकि आपकी भी स्पीच का जो मोटिव है वो पूरा हो सके। टिप नंबर फाइव है वो आपको ये बताती है कि सोचिए आपके पास बहुत सारी ऑडियंस है और आपको कोई लेक्चर दिए जा रहा है तो शायद आपका टोन टूट जाएगा। तो आपने एंगेजमेंट करनी है। जब तक आप वापस इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उनके व्यूज जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो मोटिवेशन नहीं रहती है। तो उनके व्यूज जानिए, उनकी प्रॉब्लम्स लीजिए। इसके लिए सबसे आसान है कि आपको रेडी भी नहीं करना पड़ेगा। अब वहां जाएंगे, एक टॉपिक चूज करिए, वो जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको एक्सटेम्पोर की तरह उसको आंसर करिए। लोग भी जल्दी कनेक्टेड होते हैं और आपका जो पर्पस है वो भी जल्दी सॉल्व होता है। टिप नंबर 6, तो आप 2 टिप्स से रह गए। लास्ट 2 टिप्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन के लिए। मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए हम शुरू कर रहे हैं टिप नंबर 6 को। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो टिप नंबर 6 आपको ये कहती है कि जब भी आप शुरू करें अपने टॉपिक को या
जब भी आप एंड करें तो उसको बहुत इजी टिप्स को कंक्लूड करें। मतलब आप की पॉइंट्स बोल दीजिए ना पहले, जितनी जल्दी। सोचिए आपका कोई चैप्टर शुरू होता है, आपने देखा होगा आपकी इंग्लिश या हिंदी की टेक्स्ट बुक में तो हमेशा स्टार्टिंग में भी की पॉइंट्स दे रखे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे होते हैं और चैप्टर के एंड में भी पॉइंट्स टू रिमेंबर या थिंग्स टू रिमेंबर दे रखा होता है। वो इसलिए कि अगर कोई बीच में लेक्चर मिस भी करता है या कई लोग इधर उधर भी जाता है तो टिप्स टू रिमेंबर से उसे ये पता चलता है कि आज जो मैं बोलने वाली हूँ या जो मैं समझाने वाली हूँ उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगी, जिसकी वजह से जो सुन रहा है वो पहले से ही एक्साइटेड हो जाता है कि आज वो मुझे ये बताने वाला है और ये तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। ऐसे ही अंत में अगर आप पॉइंट टू रिमेंबर बोल देंगे तो इससे ऐसा होता है कि जिसने बीच में कहीं मिस भी कर दिया है या उसका ध्यान इधर उधर भी चला गया है तो वो खींच के आपकी कम्युनिकेशन में वापस आ जाएगा। हो सकता है वो आपको दोबारा बुलाएं, दोबारा आपकी प्रेजेंटेशन, और यही तो आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट कर सकें। टिप नंबर 7 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मुझे सबसे अच्छी लगती है टिप देते समय इज लिसन। देखिए अगर आप एक मोटिवेटर हैं और आप वापस सुन ही नहीं सकते तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपका काम सिर्फ बोलना नहीं है, आपका काम समझाना है। अगर आप ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे तो शायद आप एक अच्छे रिप्रेजेंटेटर और मोटिवेटर बन के निकलेंगे। आपका काम सिर्फ अपनी बात को डिलीवर करना नहीं है, वॉमिट आउट करना नहीं है जो आप घर से सीख कर आए हैं, कोशिश करें समझाएं। और इस समझाने की पहली टिप है सुनो। जितना आप लिसन करोगे वो ज्यादा अच्छा है। जितनी आपकी सुनने की शक्ति अच्छी होगी उतना आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, उतनी आपको स्टोरीज मिलेंगी हर किसी के साथ अलग अलग, और वही एक्सपीरियंस आप जोड़ के अपनी अगली स्पीच को बेटर कर सकते हैं। तो कोशिश करें सुनने की पावर भी जगाएं। मैं जानती हूँ कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन शायद जो कोई और आपको सुन रहा है उसके पास आपसे नॉलेज बेटर हो, तो कोशिश करें कि लिसनिंग की पावर भी जगाएं। तो मुझे पता है कि ये टिप्स आप फॉलो करने वाले हैं, इसको इंप्लाई करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अब आपने एक अच्छा मोटिवेटर बनना है, स्माइल करते रहना है। मैं डॉक्टर नेहा मेहता आपकी साइकोलॉजिस्ट, आपकी सारी क्वेरीज प्रॉब्लम्स लेने के लिए हमेशा हाजिर रहती हूँ। आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। तो दोबारा से कनेक्ट रहेंगे, दोबारा से जुड़ेंगे और मेरी अगली वीडियो का वेट करेंगे। तब तक के लिए इन टिप्स को फॉलो करना नहीं भूलना है और उस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।